गांव कौन सा है? रेमला। ये जयप्रकाश जी हैं जो सड़कों पे बगैर हेलमेट का निकला करते थे, और आज अपनी माता जी के साथ जो भी यहाँ पे आए हुए थे, और सबसे बड़ी बात मैं धन्यवाद करता हूँ इनकी माता जी ने खुद अपने जो पुत्र के लिए सुरक्षा के लिए हेलमेट अपने हाथों से ही पहनाएंगे, ताकि ये आगे भी कभी भी घर से बाहर निकले सड़कों पर बगैर हेलमेट का ना निकले, तो आप इनको अपने खुद ही रूप से पाना। ये इसलिए है कि आपको पता है कि भारत में जो प्रतिवर्ष जो 1.5 लाख लोगों की जो मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोगों की डेथ होती है जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं, तो उस चिराग की सुरक्षा के लिए हमें मदर को जागरूक करना है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति का चल रहा है, अगर माँ अगर जागरूक हो गई तभी भी आपको ठीक है। उसी चीज़ को जागरूकता को लेकर के मैंने खुद मदर से चीज़ पहनवाया, ये ऐसे ये बिल्कुल हर चीज़ फिट है, ताकि ये सड़कों पे कभी भी बगैर हेलमेट हो चुके ना। कैसे लग रहा है आपको उनको हेलमेट पहनाया आपने? इनको आप आगे भी ऐसे भी हेलमेट पहनाते रहिएगा जैसा आपने बचपन तभी तक सेवा कर सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मुरारी कुमार जी। लगता है आप अभी इलेक्शन वोट वोट दिए हैं? अभी इलेक्शन में ले आ रहे हैं। इलेक्शन में से आपको नेता जी नहीं है गमछी दे दिया मगर हेलमेट नहीं दिया, क्यों? नहीं, बगैर हेलमेट की सड़कों पर निकल रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं। मैं हेलमेट में राघवेंद्र कुमार, जैसा कि इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं, और बिहार के अंदर जो इलेक्शन चीज हुआ है और अभी अभी वोटिंग खत्म भी हुई है, लेकिन जो नेताजी लोग हैं जो सड़कों पे रैलियां लेके निकलते हैं 400-500 पब्लिक की, लेकिन उनको देखते हैं इस तरह की गमछी होती है जिनको मैंने अभी रोका हुआ है, लेकिन उनके सर पे हेलमेट नहीं होता है, बल्कि कानून जो है हेलमेट का आप देख रहे हैं कि पिछले साल से ही मोटर व्हीकल एक्ट का कितने जोर शोर से लागू हुआ था, लेकिन फिर भी जनता तो जागरूक हो गई, उनके चलान हो रहे हैं, लेकिन नेताजी लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पाए। तो मैं आज जिसे क्या नाम बताया था आपने? मुरारी कुमार। मुरारी कुमार जी हैं आप, जिसे देखते हैं भारत के सड़कों पे जो मैं लोगों को हेलमेट दिया करता हूं, उसी तरह मुरारी कुमार जी को पार्टी ने जो इनको गमछी इस तरह से दे दिया आपने चीजें, लेकिन हेलमेट नहीं दे पाई, लेकिन जो मेरा अपना मिशन है मैं इनको अपने तरफ से ये चीजें जो हेलमेट पहना करके जागरूकता का संदेश भी दे रहा हूँ, ताकि दूसरे लोग भी सड़कों पर बगैर हेलमेट के इस तरह से भारत में सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए वो लोग सड़कों पर ना निकले, और जब भी चले हमेशा हेलमेट ला करके ही चले। पकड़िए आप, उतारिए आपको। क्या कहना चाहेंगे आपको पगड़ी की जगह पे जो आप नेता जो आपको हेलमेट मिल रहा है इस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? हम भी सोचेंगे कि नेताजी लोग भी हेलमेट दे। अच्छा, ये देखिएगा कितनी तक क्वालिफिकेशन आपकी? इंटर पास आउट है मुरारी जी, जो कि ये भी चाहते हैं कि जो आम आए दिन पे आप जब भी कभी भारत में या कहीं भी इलेक्शन हो तो उन पार्टी जो भी है कम से कम अपने पार्टी का छाप का ही कम से कम हेलमेट के ऊपर ही लगा करके आम जनता को जो भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए हेलमेट दे, ताकि इस तरीके से पगड़ी न दे करके भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।